नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार पाल दोस्तों स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल दोस्तों। दोस्तों बहुत दिन हो गया दोस्तों वीडियो बनाते हुए दोस्तों मुझे, लेकिन दोस्तों मैं आज दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों ज्ञान पर आधारित दोस्तों एंगर मतलब कि गुस्सा के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा दोस्तों। गुस्सा के सारे रहस्य दोस्तों जानने के लिए दोस्तों आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों, लेकिन दोस्तों एक ऐसा मतलब मैं आपको आज मैं एक ऐसा ज्ञान देने जा रहा हूँ दोस्तों गुस्से पर, जिससे आप मतलब इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप मतलब गुस्सा करना ही भूल जाओगे दोस्तों, क्योंकि ये एक नेचुरल नॉलेज है। मैं मतलब प्रकृति के मतलब नियम के अनुसार आपको मतलब सहज तरीके से आपको ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले ये जानिए दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि गुस्सा दोस्तों यदि आप गुस्से के बारे में दोस्तों यदि आप जान लेते हो दोस्तों उसके ज्ञान के बारे में, तो वास्तव में आप गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन आप उसी समय जब आपको गुस्सा आता है दोस्तों तो आप कभी भी गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाओगे दोस्तों। मतलब ऐसा अक्सर देखा गया है दोस्तों कि इंसानों की दोस्तों इच्छाएं पूरी नहीं होती है दोस्तों, या फिर किसी बात पे, या फिर आपको यदि कोई इंसान गलत आपके बारे में सोचता है या फिर बोल देता है दोस्तों तो आपको गुस्सा आने लगता है। यदि आपको ये एहसास हो जाए दोस्तों कि वास्तव में गुस्से का कारण क्या है, या फिर कहें दोस्तों कि यदि गुस्सा आ जाए दोस्तों तो आपको क्या करना चाहिए, तो आप गुस्से को जरूर कंट्रोल कर पाओगे दोस्तों। इसलिए आपको पहले से ही अलर्ट रहने की जरूरत है दोस्तों। तो मैं आपको यही सब बताना चाहता हूँ दोस्तों कि गुस्से को यदि कंट्रोल यदि आप करना चाहते हो दोस्तों तो आपको गुस्से का ज्ञान पहले से ही होना चाहिए कि यदि यदि आपको गुस्सा आए दोस्तों तो आप उस समय क्या सोचते हो दोस्तों। मतलब हर एक इंसान की दोस्तों हैबिट होती है, ये बात समझ लीजिए दोस्तों, समझ लीजिए दोस्तों कि हर एक इंसान अपने दिमाग के फोल्डर में कुछ ना कुछ दोस्तों ज्ञान मतलब कि सेव करके ही रखता है। मतलब उसका नजरिया कहने मतलब दोस्तों वो क्या सोचता है किसी भी ज्ञान के बारे में, किसी भी सृष्टि के बारे में वो क्या सोचता है दोस्तों, मतलब कहने का मतलब यही है मेरा दोस्तों। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ दोस्तों कि वास्तव में वो कुछ ना कुछ धारणा बना लेता है दोस्तों, या फिर यू कहे कि वो अनुकूलित हो जाता है उसी वातावरण में, या फिर उसी ज्ञान के प्रवाह में वो या तो अपने आप को कुछ ना कुछ तरीके से मान लेता है। कहने मतलब मानने का ही मतलब होता है दोस्तों कि वो अपने मेमोरी में कुछ ना कुछ सेव कर लिया। कहने मतलब जिस प्रकार से वो मानता है, जिस तरीके से मानता है, वो उसी प्रकार का नॉलेज अपने दिमाग में स्टोर करता है दोस्तों। तो वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों कि यदि गुस्सा के बारे में अलग अलग इंसानों की अलग अलग राय होती है दोस्तों, इसका कारण ये हुआ है दोस्तों कि वो कुछ ना कुछ धारणा बना लेते हैं उसके बारे में, चाहे वो गुस्सा हो चाहे कोई भी भावना हो दोस्तों किसी भी प्रकार की। मतलब इसलिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ दोस्तों कि आपको भी यही करना है दोस्तों। यदि आप गुस्सा लगे तो आप क्या उसके बारे में सोचे, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जैसे कि उनको जब भी गुस्सा लगता है तो वो कुछ ना कुछ उत्पटांग हरकत कहने मतलब गलत हरकत करने लगते हैं दोस्तों। मतलब किसी का आप गलत कर देते हो, बुरा कर देते हो, या फिर उसका बुरा चाहने लगते हो, कुछ भी करते हो। लेकिन मैं आपको गुस्सा के फैक्ट के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों कि वास्तव में गुस्सा का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या गुस्सा दोस्तों मतलब इंसान के लाभदायक है या फिर हानिकारक दोस्तों। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि वास्तव में गुस्सा बहुत ही लाभकारी है दोस्तों, ये आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों कि गुस्सा बहुत ही लाभकारी है। क्योंकि यदि आप गुस्सा करते हो दोस्तों तो आपके शरीर में कुछ ना कुछ परिवर्तन होने लगता है दोस्तों, लेकिन दोस्तों लेकिन वो आपको प्रभावित भी करता है दोस्तों। आप किस प्रकार का गुस्सा करता है ये मायने रखता है, कहने मतलब दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि गुस्सा तो करते हैं लेकिन अंदर से उनको उस गुस्से के ज्ञान के बारे में मालूम होता है, इसलिए उनको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों कि बहुत इंसान गुस्से को इग्नोर करते हैं लेकिन दिखावे के लिए कहने मतलब गुस्सा करते हैं, ऐसे भी लोग हैं दोस्तों, उनको ज्ञानी बोलते हैं दोस्तों क्योंकि वो गुस्से के बारे में जानते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि गुस्से का उनको एहसास भी नहीं होता और गुस्सा करते जाते हैं करते जाते हैं, इस तरीके से वो कुछ भी गलत चीजें अपने लाइफ में कर देते हैं, नुकसानदायक होता है उनके जीवन पर, उनके शारीरिक और मानसिक दोनों पर भी बुरा असर पड़ता है दोस्तों। लेकिन जो लोग गुस्सा करते हैं लेकिन दोस्तों गुस्सा उनके लिए लाभकारी होता है, वो लोग वास्तव में ज्ञानी होते हैं दोस्तों। कहने का मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि गुस्सा करना भी चाहिए, क्योंकि यदि आप गुस्सा नहीं करोगे दोस्तों
तो आपको कोई ना कोई दोस्तों बेवकूफ बना सकता है, कोई ना कोई आपके बारे में गलत राय मतलब बना सकता है दोस्तों, आपको बेवकूफ भी समझ सकता है दोस्तों, कुछ भी समझ सकता है कि ये तो गुस्सा ही नहीं करता, आपका फायदा भी उठा सकता है दोस्तों। इस तरीके से गुस्से का भी बहुत इंपॉर्टेंस है दोस्तों। गुस्सा यदि आप करोगे, जैसे कि आपके माता पिता ही करते हैं गुस्सा आप पे दोस्तों, तो आपको लगता है कि वो प्यार नहीं करते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, वो आपसे प्यार करते हैं और गुस्सा इसलिए करते हैं ताकि आपके लिए वो मतलब कुछ अच्छा कर जाए, कहने मतलब, या फिर यूँ कहें दोस्तों वो आपको सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, कुछ ज्ञान देना चाहते हैं, क्योंकि माता पिता हर जगह पे अपने मतलब कि ये बालकों को क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं, चाहे वो बालक कितना भी बड़ा हो जाए या फिर छोटा हो जाए, लेकिन उसके लिए दोस्तों बालक ही होता है माता पिता के लिए, वो किसी न किसी तरीके से चाहे इनडायरेक्टली चाहे डायरेक्टली आपको समझाते ही रहते हैं दोस्तों, लेकिन आप उसका गलत मतलब निकाल लेते हो दोस्तों। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि गुस्से के इम्पोर्टेंस के बारे में आपको बता रहा हूँ दोस्तों, कि नेचुरली जो होता है कि गुस्सा बहुत ही लाभकारी होता है। आपने देखा होगा दोस्तों या फिर सुना होगा दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे देश हैं दोस्तों जिनमें ट्रेनिंग दी जाती है दोस्तों गुस्सा करने की। अब सोचिए दोस्तों क्यों, क्योंकि उसका महत्व है दोस्तों, क्योंकि उनको गुस्सा मतलब कि एक प्रैक्टिस की जाती है गुस्सा आने की, क्योंकि वो लोग विदेशों के लोग क्या करते हैं गुस्सों मतलब कि गुस्सा को कंट्रोल भी कर लेते हैं दोस्तों और गुस्सा भी करते हैं दोस्तों, इस तरीके से वो उसके महत्व को समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि वास्तव में गुस्सा करने से या फिर कोई भी भावना होती है दोस्तों, चाहे हंसी हो चाहे खुशी, कुछ भी किसी प्रकार की भावना दोस्तों, उससे कुछ ना कुछ शरीर में दोस्तों परिवर्तन होता है, कहने मतलब कुछ ना कुछ हार्मोन जनरेट होते हैं, कहने मतलब सिक्रेट होते हैं दोस्तों, जो आपके शरीर के लिए या तो लाभकारी होते हैं या तो हानिकारक होते हैं दोस्तों, ये आपके शरीर को प्रभावित करते हैं, आपको बीमार भी बना सकते हैं या फिर आपको स्वस्थ भी बना सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की फीलिंग्स रखते हो दोस्तों। क्योंकि आप देखोगे दोस्तों यदि आपने मतलब कि गुस्सा के बारे में गलत धारणा पहले से बना रखा है दोस्तों, तो आपके लिए जरूर नुकसानदायक हो सकता है। उसी प्रकार से यदि आप गुस्सा के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग सोचते हो दोस्तों, तो गुस्सा आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है दोस्तों, और किसी के लिए आप गुस्से से मदद भी कर सकते हो दोस्तों इनडायरेक्टली दोस्तों। इस तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों, सेहत के लिए भी गुस्सा बहुत जरूरी है, सारी फीलिंग्स आनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि यदि भगवान ने इंसान को यदि बनाया दोस्तों, तो वास्तव में इन सारे भावनाओं का अपना एक महत्व है, तभी दोस्तों ऐसी भावनाएं आती हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों किसी के प्रति दोस्तों कोई आपके प्रति कैसा व्यवहार करता है दोस्तों, ये सब मायने रखता है आपके लिए दोस्तों, कि इंसान आपके बारे में यदि कुछ गलत सोच रहा है या फिर गुस्सा करता है, तो आप क्या रिएक्ट करते हो दोस्तों, यही सब। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यदि उस सामने वाला आपसे गुस्सा कर रहा है तो आप भी गुस्सा करो दोस्तों, ऐसा थोड़ी ना होता है दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, आपको कंट्रोल करना चाहिए, या फिर यूँ कहें कि उस पे डिपेंड करता है दोस्तों कि वास्तव में आपको गुस्सा मतलब कि किस कारण आया है, इसलिए आपको रीजन जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यदि गुस्से का यदि रीजन पता चल गया दोस्तों, तो आप गुस्से को शांत कर सकते हो। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ दोस्तों कि वास्तव में चाहे कारण कोई भी हो दोस्तों, आपको गुस्से को मतलब अंदर ही अंदर उसको पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए दोस्तों, मतलब ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, आपको करना चाहिए दोस्तों, लेकिन दोस्तों आपको ये अंदर से एक कंट्रोलिंग होनी चाहिए कि वास्तव में मैं गुस्सा तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं गुस्से को कंट्रोल भी कर सकता हूँ, मतलब इस तरीके से आपको वो गुस्से का प्रभाव दोस्तों नहीं पड़ेगा दोस्तों। आपको यदि आप पॉजिटिव लेते हो दोस्तों, तो आपको गुस्से का एक मतलब एक बढ़िया पॉजिटिव मतलब कि एक रिजल्ट देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो मैं आपको यही सब बताना चाहता था दोस्तों गुस्से के बारे में दोस्तों, कि गुस्से पर कंट्रोल किया जा सके, आपकी एक प्रैक्टिस बन जाएगी दोस्तों इस तरीके से दोस्तों, क्योंकि आप चीजों को किस तरीके से लेते हो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों। आपको मतलब गुस्से के बारे में एक अलग तरीके से अपने दिमाग में या माइंड में मतलब पॉजिटिव थिंकिंग एक सेव ऑलरेडी करनी पड़ेगी, सेव करनी पड़ेगी, जिससे आप गुस्से के टाइम उसको मतलब कंट्रोल कर पाएंगे, कहने मतलब आपकी एक हैबिट बन जाएगी, एक आदत बन जाएगी दोस्तों। इस प्रकार से आपकी आदत चेंज भी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि आपने पहले से यदि कुछ गलत धारणा बना रखी है दोस्तों, तो वास्तव में ये वीडियो देखने के बाद भी दोस्तों आप कुछ ना कुछ समझ जाएंगे अपने मतलब इस ज्ञान को आप अपने दिमाग में सेव कर सकते हैं दोस्तों, ताकि आप गुस्से को मतलब जब भी आपको गुस्सा आए तो आप कंट्रोल कर पाएंगे दोस्तों।
यही एक टेक्निक है दोस्तों। आप देखेंगे दोस्तों, यदि कोई इंसान पढ़ाई भी करता है, कुछ भी करता है, तो उस इंसान को वो क्यों याद होता है दोस्तों? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पढ़ने में बहुत कमजोर होते हैं दोस्तों, और बहुत लोग बहुत तेज होते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये ट्रस्ट पे भी आधारित है, एक विश्वास पे भी आधारित है। क्योंकि अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ दोस्तों कि इंसान जिस चीज पे विश्वास करता है, वास्तव में वही चीजें उसको याद होती है दोस्तों। मतलब उसी चीज को वो इंसान अपने फोल्डर में सेव कर सकता है।